आज हम लोग एक गांव में आए हैं और उधर हम लोग ने एक इंसान को ढूंढा है जिसने सांप मार जो सांप मारता है। ओके कैन यू बिलीव इट, जो विदाउट एनी घबराहट के सांप को मारता है। आज हम लोग उसके साथ एक इंटरव्यू करने वाले हैं, तो आज हम लोग उसके घर में आए हैं। तो चलिए उस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम निखिल है। कंटिन्यू कर। हाँ कंटिन्यू। आपको कैसा लगा सांप मारते हुए? जैसे कि आपने कल देखा ही रहेगा, 50 फुट का सांप था, काफी बड़ा। आपने वीडियो क्लिप तो देखा ही होगा, फोटोज भी देखे होंगे। हाँ करीब करीब 50-55 मीटर का फुट का सांप था वो। ठीक है, काफी लंबा था। आपको डर कुछ ऐसा महसूस? जब मैं 4 साल का था तभी मुझे एनाकोंडा ने पकड़ा था। मैंने उसको इतना दबाया एनाकोंडा कि वो उधर जगह पे ही मर गया। तब से मैं सांप मारने के और सांप के नाम से जाना जाता हूँ। अच्छा, कल का सांप मेरे लिए कोई बड़ा नहीं था। मैंने तो 100-150 फुट के सांप मारे, ये तो कुछ नहीं था। ये 50-55 फुट का ही सांप था, मेरे लिए तो बच्चा ही था, 1-2 महीने का बच्चा था। आपको क्या अच्छा लगा कि आप ऐसे नाम से जाने जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है मुझे, आखिर इसमें बुरा ही क्या है, मेरे को सब स्नेक मैन से जानते हैं। अच्छा, तो अगर आपके सामने कोबरा या एनाकोंडा या कुछ भी आ जाए आप नहीं डरेंगे? चिल्लर है, चिल्लर। कोबरा एनाकोंडा चिल्लर। अच्छा, बाकी सब जन की तो पैंट छूट जाएगी कोबरा एनाकोंडा देख के। अच्छा, वो मेरा भाई है जार्विस, उसकी भी पैंट गिल्ली हो जाएगी एनाकोंडा कोबरा देख के। क्या हम आपके भाई के साथ मिल सकते हैं? मिल सकते हैं ना, वो इस वक्त इधर ही है। एक मिनट जार्विस, इधर आ जल्दी, इधर आ। वो भी यहाँ है, अभी इंटरनेट पे देख रहा है कि और किधर किधर जहरीले सांप है जो मुझे पकड़ने जाना है। मैं भी ये मेरा भाई है। हाय, आपका नाम? जार्विस। ओ तो आप आपके भाई, अपने भाई के तरह सांप से डरते हैं या फियरफुल नहीं है? सांप से मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि आपके भाई तो बिल्कुल नहीं डरते, वो किसी भी प्रकार के या किसी भी तरह के सांप को मार सकते हैं। क्या आप में वो एनर्जी या स्टेबिलिटी है? अच्छा, तो आपको क्या करना पसंद है? जी सांप पकड़ना और सांप को ट्रेन देना, करना मुझे टीवी देखना पसंद है। आप कौन से स्टैंडर्ड में है? सेकंड। अच्छा, तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, अभी हम आपसे भाई के आपके भाई के साथ बात करना चाहिए। थैंक यू, बाय। आपका भाई बड़ा क्यूट है और आपको पहले ये लगा कि आप ऐसा ये कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं जिधर भी जाता हूँ मेरा मुकाबला अक्सर हो जाता है। अच्छा, तो आप खतरों के खिलाड़ी की तरह हैं? खतरों के खिलाड़ी के बाप भी बोल सकते हैं, दादाजी भी बोल सकते हैं, पर दादाजी भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, अब हमें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और हम कामना करते हैं कि आप ऐसे ही सब चीजों से मुकाबला करते रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।